हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ PGIMER चंडीगढ़ में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एडमिशंस के लिए नोटिफिकेशन आया है, इस संबंध में मैं आपको यहाँ पे जो MPH कोर्स है इसका जुलाई 2021 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MPH कोर्स के लिए, इस संबंध में मैं जानकारी दे रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस कोर्स में PGIMER के MPH कोर्स में इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे एडमिशन होगा, और जो कैंडिडेट्स PGIMER चंडीगढ़ के MPH एंट्रेंस एग्जाम और अदर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के MPH एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एम्स, निमहांस, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ICMR और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के MPH एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बता देता हूँ जो कि PGIMER के MPH एंट्रेंस एग्जाम के संबंधित हैं। इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे 24 मार्च 2021 से, और जो लास्ट डेट है ये 20 अप्रैल 2021 है। इंट्रेंस एग्जाम जो CBT मोड पे है ये 31 मई 2021 को है। जो एक्सपेक्टेड डेट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की, ये 9 जून 2021 है। और जो काउंसलिंग होगी मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कोर्स एट PGI चंडीगढ़, ये 12 जून 2021 है। और यहाँ पे आपको इंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस संबंध में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अ कैंडिडेट मस्ट पजेसेस, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट। ए है द कैंडिडेट मस्ट पजेसेस, ये इनमें से कोई एक डिग्री होना चाहिए, या तो MBBS, BDS, बैचलर ऑफ वोकेशनल साइंस, BVSC, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, MA, MSc और ऑन और बिफोर 30 जून 2021। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनने या तो MBBS किया है, या BDS किया है, या बैचलर ऑफ वोकेशनल साइंसेज BVSC कोर्स किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ MSc, मास्टर ऑफ साइंस, ये सभी जो कोर्स किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑन और बिफोर 30 जून 2021। तो 30 जून 2021 से पहले जिन्हें कोर्स कर लिया है, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। हाउएवर दोज बिलोंगिंग टू SC ST OBC, SC ST OBC के लिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई द मेडिकल डेंटल वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंजीनियर्स इंडिया एंड UGC AICTE। BPA must have either completed or due to complete respective rotatory internship training on or before 30th June 2021 if applicable as per Annexure 1. The candidates appearing in exam may submit application. They will be allowed to appear in exam provisionally subject to the condition they will qualify the exam by 30th 6 2021. Such candidates must submit copy of passing certificate to the academic session PGI through email or by hand on or before 31/5/6/2021, following which their candidature must be registered with Central State Medical Dental Veterinary Registration Counseling if applicable। तो यहाँ पे आपको इसके लिए जो eligibility criteria है Master of Public Health course के लिए PGIMER चंडीगढ़ के लिए, इस संबंध में आपको जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के MPH एंट्रेंस एग्जाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।